नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लो और घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि चैनल के सब वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले आपको। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों आज का टाइटल थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का जो वीडियो है हमारा वो किस टॉपिक पे है। ठीक है, सिंपली एक टॉपिक है कि दुबई विजिट वीजा जो है वो शुरू हो गए है कल से, मतलब 7 जुलाई 2020 से। तो काफी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चंस हो सकते हैं कि उसका प्रोसेस क्या है, क्या करना होगा हमें, किस तरीके से। तो मेरे कुछ सुझाव मैं आपको दूंगा और ये सारी प्रोसेस जो है मैं क्लियर करूंगा ये किस तरीके से होगा। ठीक है, तो दुबई विजिट वीजा के जो चार्जेस है दोस्तों वो पहले की तरह ये जितने थे उतने ही है, उसमें कोई इन्होंने चेंजेस नहीं किए। ठीक है, अब जो है दुबई विजिट वीजा लेने के लिए आपको एक हेल्थ दुबई विजिट वीजा जब आप अप्लाई करते हो दोस्तों तो आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दुबई विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ पासपोर्ट कॉपी, फोटो और जो भी उसकी चार्जेस होंगे वो आपको पे करने होंगे। ठीक है, जैसे पहले आप करते थे उसी तरीके से, बस अभी इसमें चेंजेस क्या होंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप दुबई ट्रेवल कर रहे होंगे दोस्तों तब आपके पास चार चीजें जो है वो होना जरूरी है। ठीक है, वो चार चीजें कौन सी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उसमें से पहला है हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा जो कि आपको एयरलाइंस के अंदर जाने के बाद, लाइक एयरपोर्ट में जाने के बाद मिल जाएगा, वो आपने फिल करना है और वहां पे आपने अपने साथ रखना है। ठीक है, उसके बाद एक होगा क्वारंटाइन अंडरटेकिंग फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म भी आपको एयरपोर्ट के अंदर ही मिल जाएगा, इन केस आपको इंडिया में मिलेगा या यूएई के अंदर आपको यहाँ पे आने के बाद मिलेगा। ठीक है, जो भी होगा वो आपको एयरलाइंस के अंदर ही मिल जाएगा, वहीं पे आपने वो फिलअप करने, मतलब ये जो दो फॉर्म से मैंने आपको बताए हैं आप चेक कर लीजिए और एक बार, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म एंड क्वारंटाइन अंडरटेकिंग फॉर्म, ये दोनों फॉर्म्स आपको मिलेंगे, आपने फिल करके वो आपने पास रखने, अगर वो लोग मांग लेते हैं उनके लिए तो वो आपने उनके पास सबमिट करने। ठीक है, उसके बाद आपके पास कोविड रिपोर्ट, जो कोविड-19 है, ये जो कोरोना वायरस का जो रिपोर्ट होगा वो आपके पास होना जरूरी है कि आप उसमें निगेटिव है। ठीक है, मतलब आपको कोरोना वायरस नहीं है, इसका रिपोर्ट आपके पास होना जरूरी है, तभी जो है आप वो दुबई में एंटर हो सकते हैं, मतलब आपका इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि ये जो रिपोर्ट है वो 96 आवर्स पहले का होना जरूरी है, मतलब उससे पुराना नहीं। ठीक है, इवन एक दिन पहले का, दो दिन पहले का, इस तरीके से 96 आवर्स तक पहले का होना जरूरी है। उसके अगर पुराना होगा तो भी वो वैलिड नहीं होगा और आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी या इवन आपको फाइन भी पे करना हो सकता है। जैसे कि मैंने सुना है कुछ फाइन उन्होंने रखे हैं, अगर इस तरीके से आपके पास डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं होगा तो आपको वो फाइन पे करना होगा, फिर ही जो है आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है अभी आपको चाहिए, जैसे कि आपको सारा पता चल गया, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए, क्वारंटाइन फॉर्म चाहिए, क्वारंटाइन अंडरटेकिंग फॉर्म चाहिए, कोविड-19 का जो रिपोर्ट है वो आपके पास होना जरूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों जितना भी आपका वीजा है उतना आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है, जो हेल्थ इंश्योरेंस कोविड-19 को कवर करता हो। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात है, इसको मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, जो हेल्थ इंश्योरेंस होगा वो आपका जितना भी वीजा होगा उतना, जैसे कि किसी ने 3 मंथ्स का वीजा लिया तो वो 3 मंथ्स का इंश्योरेंस उसके पास होना जरूरी है, अगर किसी ने 14 डेज का लिया तो उसके पास 14 डेज का इंश्योरेंस होना जरूरी है, किसी ने 1 मंथ का लिया तो उसके पास 1 मंथ का होना जरूरी है। अब इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको कवर करना चाहता हूँ, जैसे ही ये न्यूज आएगी, मतलब जैसे काफी सारे इंडिया में पता होगी तो वो लोग ये इंश्योरेंस देना शुरू कर देंगे। ठीक है, इंडिया में, मगर आप ये थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि वो यूएई के अंदर चलेगा या नहीं चलेगा,
ठीक है, वैसे तो इंडिया में हर कोई चीज को ऐसे ही बोला जाता है कि ये लेके जाओ, ये उधर चलेगा, ये उधर चलेगा। जैसे मैंने काफी सारे पहले वीडियोस बनाए थे, उसके अंदर मैंने ये बताया था आपको कि वहां के कुछ कार्ड्स है जो सिम कार्ड्स, वो रोमिंग करने के बाद भी यहाँ पे नहीं चलते। लोग काफी बड़ा बड़ा रिचार्ज वहाँ पे 3,000 4,000 रुपए का रिचार्ज करके आते हैं, मगर तभी भी यहाँ पे नहीं चलते, तो वो पैसे वेस्ट हो जाते हैं। बस आपके पैसे वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ, जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं वो ट्राई कीजिए, वो दुबई का हो, यूएई की कंपनी हो, ताकि इधर आने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ की कंपनी होगी तो आपको यहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल, जो भी उसके अंडर हॉस्पिटल है, वहां पे आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है, वो जो की कवर होगी, ठीक है। ये हेल्थ इंश्योरेंस किस लिए रखा है दोस्तों? तो ये हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए रखा है ताकि अगर गलती से आपको यहाँ पे कोरोना वायरस का कोई हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या आप उसके संक्रमण में आ गए, तो यहाँ पे आपकी जो ट्रीटमेंट होगी वो इंश्योरेंस के अंदर कवर होगी, ठीक है। इसके लिए आपको ज्यादा खर्च करने के पैसे जरूरत नहीं होगी। और मतलब यहाँ पे ट्रीटमेंट्स बहुत महंगी है दोस्तों, काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा। अगर यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस है तो ही आपका थोड़ा सा कम पैसों में जो है वो ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं। इवन आपने अगर किसी डॉक्टर को भी यहाँ पे दिखाना हो तो ही आपके 250 से 300 दिरहम तक जो है कंसल्टेशन चार्जेस लिए जाते हैं, वो इंडिया के होते हैं 6,000। मतलब सोचिए, 6,000 रुपये अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपको बस कंसल्टेशन के लिए देने। वैसे तो आपको विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे एंट्री ही नहीं होगी। तो मैं बस ये बात मैं और एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि जो भी हेल्थ इंश्योरेंस होगा वो ट्राई आपने ये करना है कि वो दुबई का हो दोस्तों, ठीक है। दुबई का होगा तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर दुबई का ना हो, आप शायद इंडिया का लेके आ जाए यहाँ पे, और यहाँ पे वो कवर ही ना होता हो, और कुछ भी, मतलब आप, मैं अभी निगेटिव बातें नहीं करूंगा कि आपके साथ ऐसा कुछ बुरा हो जाए और उसके बाद आपको पता चले कि यार ये तो हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे चलता ही नहीं है, तो बस बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से ट्राई कीजिए दोस्तों कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो दुबई का है, मतलब यूएई का हो, ठीक है। फिर से एक बार मैं दोहराना चाहता हूँ, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, मतलब इस रिलेटेड अगर कोई आपको क्वेश्चन है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपको पूरी पूरी जानकारी दे देंगे, ठीक है। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं वीडियोज बनाता हूँ। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मेरे पिछले वाले वीडियो जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके से जल्दी देखिए।